क्वेश्चन नंबर वन में हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे, वन एंड टू। अब जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में सेंटर दिया है 3, -2 एंड रेडियस जो है हम ए लेते हैं वो सीख दिया है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा जो मैंने अभी सिखाया था। ये आप खुद से कर लेंगे और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं एंड फाइव अभी देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या दिया है देखो, सेंटर दिया ए कॉमा बी, कोई नंबर नहीं दिया 2, 3, 4, 5, ए और बी दिया हुआ है। और जो रेडियस है, रेडियस को मैं आर लिखता हूँ रेडियस को, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी ए यूज हुआ है इसलिए मैं रेडियस की जगह पे आर लिखता हूँ, नहीं तो क्या होगा ए इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, ये मिस हो जाएगा। सो रेडियस इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो कैसे करेंगे, देखो कि यहाँ पर भी जनरल फॉर्म है तो हम लिखेंगे बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। आपको याद ही है इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सेम फॉर्मूला यूज करना, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर लेते थे, मैं आर स्क्वायर लेता हूँ बिकॉज रेडियस को मैंने आर कंसिडर किया। देखो ये जो चीज़ें होती है ना, एक दो बार आप करोगे आपको याद हो जाता है फॉर्मूला, रट्टा भी मारना नहीं पड़ता है। आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और वही फॉर्मूला बार बार करना और ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया एक्स और वाई को हमेशा एक्स और वाई ही लिखना, एक्स माइनस एच, एच जो है यहाँ पर आप देखो कि जो सेंटर होता है ये सेंटर, इसको हम एच कॉमा के लेते हैं तो एच की वैल्यू ए है यहाँ पर। सो एक्स माइनस एच, एच मतलब ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के, के जो होगा सेकेंड वाला बी है, एंड यहाँ रेडियस, रेडियस जो दिया हुआ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ये रेडियस का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये है एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू बी वाई प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखो ये रूट है और ये स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर जो भी चीज़ें वो बच जाएंगी। यहाँ आप देखोगे इस तरफ ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, ये जो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो बी स्क्वायर है बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यह आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई और कुछ भी नहीं बचा इसलिए इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा इक्वेशन का, जो सर्कल का इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे सेंटर है ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा एंड रेडियस ए, यहाँ पर भी रेडियस को हम लोग जनरली ए दिखाते हैं बट ऑलरेडी रेडियस ए दिया हुआ है इसलिए रेडियस की जगह ए रखते। फिर से हम यहाँ पर करेंगे बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सेम फॉर्मूला हर बार यूज करना है। आप एक क्वेश्चन कर लेते हो आपको सारी चीजें याद हो जाती है। यहाँ पर हम रेडियस आर लेते, कुछ भी ले सकते हो आर या ए आपके ऊपर है। एक्स माइनस एच, एच मतलब देखो ये फर्स्ट जो होता है एच होता है, ये सेकेंड के होता है सेंटर के अंदर, एच ए कॉस अल्फा है सो एच हो गया ए कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस के जो है वो ए साइन अल्फा है और यहाँ पे दो होल स्क्वायर और रेडियस जो है वो ए दिया हुआ है सो ए स्क्वायर। अब ए माइनस बी द होल स्क्वायर करना है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए कॉस अल्फा इंटू एक्स यानी टू ए एक्स कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया ए माइनस बी द होल स्क्वायर। फिर इसको करना है आपको सेम इस तरह से, इसको एक्सपांड करोगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखते वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू ए वाई साइन अल्फा और प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर बचा हुआ है ए स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर है जो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ना ये एक साथ आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर को इसके पास लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई करते, यहाँ पर देखोगे ये माइनस टू ए कॉमन है माइनस टू ए, ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा, ये अल्फा है और यहाँ से माइनस टू ए कॉमन आया तो प्लस वाई साइन अल्फा आ चुका है और इन दोनों में देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन है दोनों में, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ नेक्स्ट लाइन में करते प्लस, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लेते ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर
अल्फा और इज इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट अब देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए, ये जो ऐसे ही रह जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस, यहाँ देखो ए स्क्वायर है, ये जो आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर और ये दोनों तरफ का ए स्क्वायर कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा और यह हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा और यहाँ पर जो ये जीरो हो चुका है इसको इक्वल टू जीरो कर दो और ये फाइनली हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर मिल चुका है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन के अंदर फाइव क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर लिया है, इसको आप कॉपी कर लो। अगर ये आपको आ चुका है तो आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, मैं आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में क्या अलग है और अगर आपको बेसिक चीजें आ रही है तो सारा का सारा चैप्टर ही आपको आ जाएगा। चलो इसको जल्दी से कॉपी करो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दी सर्कल। तो सबसे पहला इक्वेशन आप यहां पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दूसरा जो इक्वेशन है एक्स माइनस फाइव द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और तीसरा जो इक्वेशन है एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन थ्री द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। करना क्या है, सेंटर और रेडियस निकालना है। वो क्या होता है, देखो सर्कल है, ये सेंटर होता है सी एच कॉमा के और यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट है तो ये रेडियस होता है, रेडियस जिसको ए लेते हैं या तो आर लेते हैं। तो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, सेंटर और रेडियस दिया हुआ था, हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकालते थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है और इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलो देखते कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसको आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, देयरफॉर सेंटर जो है वो डायरेक्ट आप 0.0 लिख सकते हैं बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड ये जो रेडियस है ए स्क्वायर वो 25 है, सो जो ए आ जाएगा रूट 25, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस में होता है, बट ये रेडियस है, रेडियस जो एक लेंथ होता है लेंथ वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप पॉजिटिव लोगे। यहाँ रेडियस मिल गया, यहाँ सेंटर मिल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सर्कल, आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड सर्कल, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल है इसलिए इसका सेंटर रेडियस जीरो। आगे चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही है, इसको आप कंपेयर करोगे, जो इसका फॉर्म है वो फॉर्म पहचानो कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये सेंटर रेडियस फॉर्म है, तो कंपेयरिंग विथ सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, आप जैसे कंपेयर करोगे फॉर्म ये था एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कंपेयर करोगे तो एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस एच, तो आपका जो एच वैल्यू है वो 5 है एंड यहाँ पर जो कंपेयर करोगे के वैल्यू वो 3 है एंड यहाँ जो रेडियस ए स्क्वायर है वो 20 है। अब यहाँ पर जो सेंटर होता है वो होता है एच कॉमा के, सेंटर एच कॉमा के मतलब 5.3, सेंटर मिल चुका है, ए इज इक्वल टू 20, रूट स्क्वायर में आए तो रूट हो जाएगा 20, 20 होता है 4, 5 = 20, इस तरह से आप समझ सकते हो 4 × 5 = 20 होता है, 4 का रूट 2 आया सो 2√5, सो ये आपको रेडियस मिल चुका है और ये जो है आपका सेंटर है 5.3। इतना आसान है सेंटर और रेडियस निकालना, जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड है किस तरह से हम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म था तो सेंटर हमेशा जीरो और जो रेडियस है वो यहाँ से आया। अगर यहाँ पर आप देखो कि सेंटर रेडियस फॉर्म है, इससे कंपेयर करो एच और के की वैल्यू आएगी, एच के जो होता है सेंटर होता है और यहाँ जो दिया था वो रेडियस स्क्वायर था, उससे हमको रेडियस मिल गया। चलो एक तीसरा क्वेश्चन देते हैं, ये बिल्कुल सेकेंड के जैसा ही है, इसको भी आप करोगे बाय कंपेयरिंग या तो कंपेयरिंग विथ सेंटर रेडियस फॉर्म। तो आप एक बार सेंटर रेडियस फॉर्म लिख रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर दो एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एच, यहाँ पर एच माइनस माइनस है, एच की वैल्यू हो जाएगी हाफ, देन यहाँ के माइनस के यहाँ प्लस है, माइनस होना चाहिए था प्लस है, तो के की वैल्यू आप लिखोगे -1/3, ये माइनस है यहाँ प्लस, इसलिए ये 1/3 माइनस में लेना है और एंड ये जो ए स्क्वायर है
दैट इज इक्वल टू 1/36, जो ए स्क्वायर है 1/36 को इक्वल होगा। तो सेंटर जो है वो होता है एच कॉमा के, तो सेंटर आ चुका है एच कॉमा के, मतलब एच है हाफ, के है -1/3। एंड ये जो रेडियस होता है यहाँ पर ए, ये स्क्वायर उस तरफ गया स्क्वायर रूट 1/36, तो जो रेडियस है वह आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया सेंटर एंड रेडियस। आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चंस है, तीनों मैंने बताया कि इस तरह से सेंटर और रेडियस पता करना है। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें सेंटर रेडियस दिया था, इक्वेशन बनाना था। सेकंड क्वेश्चन उसका उल्टा था कि सेंटर रेडियस फाइंड करना था। कुछ भी करने आया तो आप कर पाओगे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो तो। इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। यहाँ पर दो क्वेश्चन है 3 में, 1 और 2। जो 1 क्वेश्चन है वो कहता है एट -2, 3 एंड टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग एक्स एक्सिस। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है एट a, b, ये सेंटर दिया हुआ है एंड टचिंग वाई एक्सिस। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे है, बट डिफरेंस ये है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, और ये जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यहाँ पर सर्कल का सेंटर -2, 3 है और यहाँ पर सर्कल का सेंटर a, b पे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए कि इस तरह से x और y एक्सिस बना लो, इस तरह से बना लो x और y एक्सिस। यहाँ देखो -2, 3 वो कहाँ पर आएगा, तो -2 x एक्सिस यानी इस तरफ आएगा और 3 यहाँ आएगा इस तरह, ऐसे कहीं तो है। अब देखोगे ये सेंटर है और अगर आप, और ये टचिंग x एक्सिस, x एक्सिस को टच कर रहा है और ये सेंटर है, तो कुछ इस तरह का सर्कल होगा इस तरह का। तो ये सर्कल है जो x एक्सिस को टच करके जा रहा है और इसका सेंटर जो है -2, 3 पर आपको दिख रहा है। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटर दिया हुआ है, रेडियस भी तो पता चले। अगर सेंटर के साथ रेडियस पता होता तो हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं, बट रेडियस तो दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टचिंग एक्स एक्सिस दिया है उसका यूज करके हम लोग रेडियस पता करेंगे। तो देखो ये टचिंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ से अगर मैं इस ज्वाइन करूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका रेडियस होगा। सेंटर से कोई भी पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो रेडियस होता है। अब देखो ये इस तरह से देखोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग ये -2 है, यानी ये पॉइंट -2 है और ये पॉइंट 3 है। अब क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो इतना इक्वल रहेगा, ये 0 to 3 है ये, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस के इक्वल रहेगा और वाई एक्सिस जो यहाँ पर 3 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट 3। यहाँ पर आप रेडियस डायरेक्ट 3 रेडियस लिखो या तो a लिखो। ये जो रेडियस है ये y एक्सिस को इक्वल होगा और y की वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ सेंटर और रेडियस पता है, सेंटर जो है -2, 3 है, तो आप क्या करोगे बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया सॉल्व, एकदम ईजी है। क्या था देखो, x - h² + y - k² = a² यहाँ पर जो x माइनस एच, एच मतलब जो है पहला -2 होल स्क्वायर, y माइनस के जो है ये 3 है, 3 होल स्क्वायर, और रेडियस a जो है वो 3 है। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर याद रखना है कि जो h और k होता है वो सेंटर c जो होता है ना, ये h k होता है। इसको आप खुद से आगे सॉल्व करो, मैं आपको ये सेकेंड वाला पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। अब सेकेंड और ये फर्स्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट था सेंटर था, रेडियस निकालना था, रेडियस नहीं पता था, तो हमने क्या किया ड्राइंग करके रेडियस निकाला। अब फिर से यहाँ ड्राइंग करते हैं हम, यहाँ पर टचिंग वाई एक्सिस है तो आप पहले एक्स और वाई एक्सिस यहाँ बना लो। सो ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। अब यहाँ क्या करते हैं कि सेंटर एट ए कॉमा बी, अब ये कहीं भी हो सकता है, टचिंग वाई एक्सिस, तो मान लो ये वाई एक्सिस को टच करके जाने वाला इस तरह से कोई सर्कल है और इसका सेंटर, सेंटर जो है ए कॉमा बी है, ये सेंटर है और ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो अब फिर जैसे यहाँ पर किए थे वैसे ही देखो, ये जो रेडियस होगा इसका ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, ये क्या होगा इसको इक्वल होगा। यहाँ से अगर ये मिला दे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है, बट ये जो रेडियस है वो क्या होगा इसको इक्वल होगा ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है तो ये ए रहेगा, यानी ये भी ए, तो ये रेडियस जो है ए हो गया। ये जो है क्या होगा, देखो कभी भी आपने सीखा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है एक्स को इक्वल होता है एक्स को, तो इसका जो ए है वो हो गया हमारा रेडियस। सो रेडियस इसको हम यहाँ पर जानबूझ के आर लिखते बिकॉज ऑलरेडी ए बी सब दिया है, इसलिए ए नहीं लिखेंगे रेडियस को, और जो सेंटर है वो ए कॉमा बी है। तो आप क्या करो सेम ऐसे ही करना, ये भी ऐसे ही करना, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म।
आप लिखोगे x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर। अब देखोगे आपको एक फॉर्मूला याद हो जाएगा करते करते, या मैं r लेता हूँ, सो x माइनस एच, देखो अब यहाँ पर ये जो a कॉमा b है ना, इसको h कॉमा k से कंपेयर कर लो तो याद रहेगा क्या है, पहला कभी भी h होता है, दूसरा k होता है, h की वैल्यू a है, y माइनस के, k जो है वो b है, और r स्क्वायर, यहाँ पर r मतलब रेडियस है, यहाँ कन्फ्यूजन क्वेश्चन में ऑलरेडी a के टर्म में दिया है, इसलिए मैंने रेडियस को a नहीं लेके r लिया है। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर लिखते हैं, हाँ रेडियस, यहाँ पर क्या है देखो, रेडियस जो है ना वो ए दिया हुआ है रेडियस, तो हम क्या करते हैं आर की वैल्यू ए रखते, और होगा क्या, ये a और ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्या करेंगे देखो, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई और बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर यहाँ आ गया इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, जो रेडियस था उसको हमने a रख दिया था, तो इस तरह से ये होगा, और ये फाइनली हम लोगों को इसका इक्वेशन निकालना था, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर आप खुद से सॉल्व करो, इसको आप लिखोगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ये आप खुद से करो, ये सॉल्व किया, दोनों का मेथड सेम है, टचिंग एक्स एक्सिस टचिंग वाई एक्सिस से हम सिर्फ रेडियस निकालते हैं, इसको कॉपी कर लो अच्छे से।